नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। मैं हूं खुशबू सिंह। सियासी सफर में आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधायक शैलेंद्र यादव ललई, जिन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अखिलेश यादव के समय जो विकास कार्य शुरू हुआ था वो अब पूरी तरह ठप हो चुका है। शैलेंद्र जी, आपके विधानसभा में अभी कौन कौन से काम आप करवा रहे हैं और क्या क्या काम होना अभी बाकी है? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उस समय चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में, तमाम कार्य सागंज विधानसभा में, जनपद जौनपुर में और पूरे प्रदेश में हुए थे। जहाँ तक मेरी विधानसभा का सवाल है सागंज का, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जितने विकास के कार्य हमारी सरकार में, माननीय अखिलेश जी की सरकार में प्रस्तावित थे या जो शुरू हो चुके थे, उन सारे कामों पर ध्यान देना इस सरकार ने बंद कर दिया और वो सारे विकास के काम ठप पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में। यहाँ तक कि जौनपुर के लिए सबसे बड़ा तोहफा माननीय अखिलेश जी ने दिया था मेडिकल कॉलेज के रूप में, और बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा था। जैसे ही हमारी सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तुरंत उसी समय से मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी बंद कर दिया गया, जो जौनपुर जनपद के साथ सबसे बड़ा धोखा भाजपा की सरकार ने किया है। अभी लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ है, इसमें सपा की बहुत बड़ी जीत हुई है, इसके क्या कारण थे? और आप गोरखपुर के सप्रभारी भी बनाए गए थे चुनाव के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेती है, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके, जनता को बहका करके ये एक बार सरकार बना ली। गांव में एक कहावत है, काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ये भारतीय जनता पार्टी काट की हाड़ी है, एक बार चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ेगी। एक साल, चार साल दिल्ली में इनकी सरकार के हो गए, एक साल उत्तर प्रदेश में हो गए। जब दिल्ली में इनकी सरकार थी तो ये कहा करते थे कि प्रदेश और देश में दोनों हमारी सरकार हो तब काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बन गई, देश में और प्रदेश में दोनों में इनकी सरकार रही। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता को निराशा के अलावा हाथ कुछ नहीं लगा, और उसी का परिणाम है कि जनता ने इनके एक साल होने पर गोरखपुर और इलाहाबाद हरा करके इन्हें इनाम देने का काम किया। योगी सरकार इसको सपा और बसपा गठबंधन को सौदेबाजी बता रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई, आप जब देश के विभिन्न अंचलों के चार दर्जन के, तीन दर्जन से ज़्यादा दलों से तालमेल करते हो, गठबंधन करते हो, तो आप अवसरवादी और सौदेबाजी नहीं कहलाते। आप उग्रवादी संगठनों से तालमेल करते हो, देशद्रोही ताकतों से तालमेल करते हो, जो देश के कुछ हिस्सों को देश में नहीं रहने देना चाहते उनसे भी आप तालमेल करते हो, तब आप राष्ट्रवादी बनते हो। और हम अगर गरीब गुर्बत में रहने वाले लोगों के, गांव के, गरीब के, किसान के, पिछड़े और दलित को एक साथ लेके चलते हैं तो हमें आप बेमिल कहते हो। भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र देश की जनता ने देख लिया, और मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ, जिस गोरखपुर लोकसभा पर इनको सबसे ज़्यादा नाज था कि उत्तर प्रदेश में कोई सीट हम लोकसभा की जीते या न जीते, उस गोरखपुर को भाजपा जरूर जीतेगी। और वहाँ गोरखपुर की महान जनता ने इनको बता दिया कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता, और वहाँ की महान जनता, विशेषकर पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत समाज के लोगों ने एक होकर के इनको इनकी राजनीतिक हैसियत बताने का काम किया। 2019 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 2019 के चुनाव में सपा क्या सरकार बनाएगी या बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आएगी? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो 2019 में हो, चाहे वो हो सकता है 2018 के अंत में ही हो जाए, इस लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता पिछड़े, दलित, शोषित, गरीब, किसान, अकलियत के भाई, मजदूर, नौजवान मिलकर माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक तरफा समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी साथियों की बयार चलेगी, और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। और उत्तर प्रदेश से अगर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा तो फिर ये किसी भी कीमत पर दिल्ली में सरकार नहीं बना सकते, ऐसा हमारा मानना है। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अरविंद दीक्षित के साथ राजेश यादव, यूपी लाइव टीवी, लखनऊ। आगे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी लाइव टीवी, क्योंकि हम दिखाते हैं हकीकत प्रदेश की।